बिल्कुल दिव्या, और बड़ी खबर मिल रही है कुशीनगर से। ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बूथ संख्या 160 पर ईवीएम खराब हो गया है और सुबह 4 बार खराब हो चुका है ईवीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से, बड़ी खबर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। बूथ संख्या 160 पर ईवीएम खराब हो गया है और सुबह से 4 बार ईवीएम खराब हो रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ईवीएम खराब होने की जो लगातार खबरें मिल रही हैं वो तो अब सामने आ ही रही हैं, लेकिन बार बार ईवीएम खराब होना, क्योंकि सुबह से 4 बार ईवीएम खराब हो चुका है कुशीनगर में और 1537 वोट में से सिर्फ 200 वोट ही अब तक पोल हो पाए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदाता तो जागरूक है, मतदाताओं में उत्साह है, मतदाता चाह रहे हैं वोट कास्ट करना, लेकिन अगर ईवीएम ही खराब होगा तो मतदाता सीधे तौर पर मायूस नजर जरूर आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त कुशीनगर से आपको बता रहे हैं। ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है, मतदाताओं में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। पवन सिंगर हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हें रुक कर लेते हैं। पवन सिंगर, 4 बार ईवीएम खराब हो गया है, मतदाताओं में काफी ज्यादा रोष है, कब तक ईवीएम ठीक हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार तकरीबन जो बेलही विधानसभा का बूथ है वहाँ पे 4 बार ईवीएम जरूर खराब हुआ, लेकिन जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करने की बात की जा रही है। हालांकि वोट वहाँ पे ज़्यादा है, 200 वोट पड़े थे, लेकिन अधिकारी लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर टाइम बढ़ाना पड़े उस विधानसभा बूथ पे तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। मैं हाटा विधानसभा में हूँ और एक सुखद तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये आधी आबादी है, आधी आबादी की लाइन देखिए, उधर आप देखेंगे तो जो मेल वोटर्स हैं उधर है, उनकी लाइन देखिए, और इधर आप